प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आइए, पाक सीड शॉप की तरफ से रिसीव होने वाले जो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आज मैंने सोचा इनकी ये सीडलिंग के लिए सीड्स लगा दूं। तो इसके लिए मैंने ये हाइड्रोपोनिक ट्रे इस्तेमाल की है। ये सेल्स वाली ट्रेज भी हैं मेरे पास, जिनमें अलग अलग हर सेल में एक एक बीज लगा देते हैं। तो इस पर तो मैंने सोचा कि ज़रा डिफरेंट करते हैं। तो इससे इसको मैंने पीट मॉस से भर दिया है, और अब इसमें ये मैं इनकी टैगिंग भी कर दी है, हर एक के नाम लिख दिए हैं। तो इनके सामने रोज़ में मैं सीड्स लगा देता हूँ। जी डियर व्यूअर्स, ये सीड्स मैंने मुनासिब फासलों पे इसमें लगा दिए हैं। इनमें कार्नेशन है, मैरीगोल्ड है, सनरेरिया है, एस्टर मिक्स, जीनिया मिक्स है, बोस्टन आइवी है, बैचलर्स बटन, कॉस्मोस और कॉक्स कॉम, ये इसके सीड्स हैं। तो ये सीड जो मुझे रिसीव हुए हैं बहुत हेल्दी हैं, जो ये शो करते हैं कि इनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने में जो सेलर है उसने स्पेशल फोकस किया है। और ख़ास तौर पे इनकी ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है कि साथ में इन्होंने अपना एक ये इन्फॉर्मेशन भेजी है कि इफ़ यू लाइक आवर प्रोडक्ट काइंडली लीव अ रिव्यू एंड रिकमेंड आवर पेज, इट हेल्प्स अस अ लॉट। ये बाकी ऑनलाइन साइट्स में ऐसा नहीं होता, वो तो उनको तो बस सीड सेल करने से गर्ज होती है, लेकिन इनमें ये है कि आप चेक करें, अगर आपको ये हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है तो फिर आप हमारे पेज को भी रिकमेंड करें, हमारे प्रोडक्ट को भी रिकमेंड करें। तो ये इनका कॉन्फिडेंस है, यानी ये शो करता है कि इनको कस्टमर्स की केयर है, यानी जो पैसा ये लेते हैं आपसे ये चाहते हैं कि आपके साथ रबता मुश्किल बना रहे अपनी क्वालिटी की वजह से, और साथ में जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं इनको अपने प्रोडक्ट पर एतमाद है। तो इसीलिए ये साथ में इन्होंने ये भेजा है कि भाई अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है तो फिर रिकमेंड करें। तो मैंने भी इनके ये जर्मिनेशन का ट्रायल लगा दिया है, अब देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है। उम्मीद तो है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने पीट मॉस ट्रे में डाल के इसको मॉइस्ट कर लिया था, उसके बाद यानी गीला कर लिया था, उसके बाद इनके ऊपर मुनासिब फासलों पे सीड्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हल्की सी लेयर जो है कोकोपीट की वो मैं डाल दूँगा, और इसको ये जो मैंने देसी ग्रीन हाउस बनाया हुआ है यानी प्लास्टिक शीट, इसके नीचे इसको रख देंगे कुछ दिनों के लिए, फिर देखते हैं जर्मिनेशन का रिज़ल्ट क्या आता है। अब ये 81% जो है ह्यूमिडिटी लेवल है और 19 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है यहाँ का इस वक्त। तो इसको टेम्परेचर को ज़्यादा करने के लिए मैं इसको ये प्लास्टिक कवर के नीचे रखूँगा। जी व्यूअर, वेलकम बैक। ये मैंने यहाँ से ये ट्रे जिसमें जर्मिनेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है ये निकाल दी है, और इसकी जगह ये जो अभी सीड लगाए हैं bkseedshop.com की तरफ से, वो इसकी जगह ये रख दिए हैं। ऑलरेडी भी ये मैंने इसमें ट्रायल लगाए हुए हैं ये टमाटोज़ की, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तकरीबन 30 के करीब ये डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, हर रो में एक अलग वैराइटी है। तो ये ग्रो कर रहे हैं, अच्छी जर्मिनेशन हुई है इनकी। उसके बाद ये हर्ब्स के सीड हैं, ऑरिगेनो है, ओपल बेसिल है, ग्रीन बेसिल है, इसके अलावा पार्सले है। तो ये डिफरेंट हर्ब्स भी हैं इसमें। इसके बाद ये इश्तियाक साहब की तरफ से इश्ताकुर रहमान, जो चाइनीज़ सीड के होल सेलर डीलर हैं, इनकी तरफ से जो सीड रिसीव हुए थे वो मैंने यहाँ लगाए थे। अब ये देखें कितने हेल्दी प्लांट्स माशाल्लाह
इसमें से ग्रो कर रहे हैं। कुछ ये जर्मिनेशन के प्रोसेस में है, कुछ जर्मिनेट कर चुके हैं, मिल्क मेलन। इसके अलावा ये स्टीविया के लगाए थे, अभी देखते हैं, अभी तक जर्मिनेशन नहीं इनकी हुई, तो नेक्स्ट जर्मिनेशन रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये जावेद भाई की तरफ से क्रेनबेरी के सीड रिसीव हुए थे, 4 लगाए थे, उनमें से एक ये भी ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ये भी जर्मिनेशन के प्रोसेस में है। ये सीड ज़ाया हो चुका है क्योंकि कुछ प्लांट्स इसमें ऐसे थे जिनमें जिनको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए था, जैसे ये टमाटोज़ वगैरह के हैं, तो उसके लिए मॉइस्चर लेवल ज़्यादा देना पड़ा, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से ये सीड ज़ाया हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।